साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मिशन 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने कमर कस ली है। सपा दोबारा से अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने की कवायद में है। वहीं सपा ने लखनऊ में दो दिन की अधिवेशन की शुरुआत की है, जिसमें 2024 के लिए नई सियासी रणनीति तैयार की जाएगी। पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ दलित समीकरण बनाने के लिए सम्मेलन में इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। वहीं कल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम पटेल को चुना गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में 2024 के चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है। बता दें, सपा ने लखनऊ में दो दिन के अधिवेशन की शुरुआत की है, जिसमें 2024 के लिए नई सियासी रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ दलित समीकरण बनाने के लिए सम्मेलन में इससे जुड़े हुए मुद्दे पर भी गहन मंथन किया जाएगा। साथ ही कल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नरेश उत्तम को चुना गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में 2024 के चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन है आज, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मयूरी, आपको बता दें कि कल समाजवादी पार्टी का रमाबाई मैदान में राज्य सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष चुनने का प्रक्रिया हुआ और नरेश उत्तम को पुनः प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया। और आज आपको बताएं कि रमाबाई मैदान के अंदर में समाजवादी पार्टी का आज राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें देश भर से 25,000 डेलीगेट सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि सबसे पहले अभी तक बात की जाए तो 10 बजे वहां झंडारोहण किया गया है और 10:15 पे जो समाजवादी पार्टी का झंडा है उसे रोहन किया गया है। उसके ठीक बाद आज अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। आज जो आज तमाम डेलीगेट्स आए होंगे उनके वोटों के बाद नए अध्यक्ष की चुनावी जो प्रक्रिया है वो मंच से ही शुरू होगी। और वहीं पे जो पार्टी के महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उनकी मौजूदगी में पूरा प्रक्रिया देखा जाएगा। उनकी देखरेख में आज के निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। लगभग 1 बजे के करीब इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिसमें आपको बताएं कि लगभग माना जा रहा है कि अखिलेश यादव फिर से अध्यक्ष के कुर्सी का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज जो देश भर से जो डेलीगेट्स आए हैं उनके जो मत होंगे उसके आधार पर अध्यक्ष का चुनाव होगा। मगर मिली जानकारी के अनुसार अध्यक्ष के नाम के लिए अभी कोई ऐसा नामांकन नहीं आया है। मगर ये समाजवादी पार्टी का एक देखे तो प्राइवेट काम है और वो इसको सार्वजनिक नहीं किया है अब तक, तो देखने वाली बात ये होगी कि किसको अध्यक्ष का जिम्मा दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस अध्यक्ष के जिम्मे के बाद तमाम नेता जो देश भर से आए रहेंगे वो अपने संबोधन से अपनी समस्याओं को और साथ ही साथ जैसे कल अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है तो वो सपा है और सपा ही मजबूती के साथ लड़ सकती है। उसमें तमाम आरोप लगाए सरकार को लेकर, फीता काटने को लेकर कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों को सरकार आज फीता काट रही है। वहीं आपको बता दें कि जो तमाम डेलीगेट्स हैं और तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और समाजवादी पार्टी के बड़े औहदे के जो नेता है वो आज आ रहे हैं, तो आज राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों को पारित करने की बात कही जा रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां कल समाजवादी पार्टी अपने राज्य सम्मेलन में जो जातिगत जनगणना है उस पर पूरी तरह से अपना समर्थन जताते हुए कहा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और बाबा साहब का ये कहना था कि 10 सालों में
जातिगत जनगणना हो जिससे जातियों का आधार निकल सके। जी, वांसू सम्मेलन में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ दलित समीकरण बनाने के लिए सम्मेलन में जुड़े मुद्दों पर बात होगी, और किन मुद्दों पर गहन मंथन हो सकता है? जी, आपको बता दें कि आज बात करें तो समाजवादी पार्टी का धीरे धीरे जो अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज था उसमें काफी उछाल आया, साथ ही साथ विधायकों की संख्या अगर बात करें तो पिछले 2017 से 2022 की जब सरकार थी तब समाजवादी पार्टी के लगभग 47 विधायक चुन के आए थे। टूटने के बाद उसमें संख्या बढ़ोतरी हुई थी, मगर आपको बताया कि लगभग 47 विधायक जीत के 2017 में आए थे। उसके बाद अगर 2022 के ग्राफ की बात की जाए तो 2022 में लगभग 111 विधायक चुनाव जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनता ने सपा को चुना है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां कल जो तमाम जातियां हैं उनके बेहतरी के लिए, साथ ही जो अति पिछड़े हैं उनकी लड़ाई लड़ने की बात अखिलेश यादव साथ ही साथ तमाम नेता मंच से अपने संबोधन के दौरान कहे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपने हैं, जो अधूरे सपने हैं, उसे पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और आपको बताया कि तमाम जो वोटर्स हैं उनको साधने का समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक जनेश्वर मिश्र के कहे गए तमाम जो बातें थे उसको अखिलेश यादव कल कहते हुए नजर आए। साथ ही साथ उनकी तरफ से छोटे लोहिया, चाहे बात की जाए तो किरण मैनंदा, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उनकी बातों को कल अखिलेश यादव दोहराते हुए नजर आए। और समाजवादी विचारधारा को उन्होंने कहा कि अगर जो कोई सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकता है तो वो समाजवादी विचारधारा के लोग रोक सकते हैं। वहीं आपको बताया कि आज मंच पर अगर बात की जाए प्रस्ताव की तो आज कई आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। चाहे बात की जाए तो जहां भी समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, जहां भी वो चुनाव विगत में लड़ चुकी है मुलायम सिंह की अगुवाई में, जब 5 नवंबर 1992 को उन्होंने सरकार का गठन किया था सपा कई पार्टियों से अलग होकर, तो उनकी तरफ से जो तमाम नीतियों पे काम करके अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री रहे, साथ ही साथ वो केंद्र में भी उनकी गठबंधन की सरकार रही, गठबंधन में वो हिस्सा रहे कांग्रेस के साथ, साथ ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर कई दफा अपना जिम्मा निभा चुके हैं। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से समाजवादी विचारधारा के नेताओं से अपने पिता से सीखने में लगे हुए हैं, आने वाले चुनाव में उसका परिणाम दिखेगा। मगर बात की जाए तो राजनीतिक चर्चाओं पे, राजनीतिक जो प्रस्ताव पारित होंगे उसमें आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा अन्य प्रदेशों में, साथ ही साथ 2024 को लेकर किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा जिससे पार्टी का बेहतरी आ सके, पार्टी का ग्राफ बढ़े। और साथ ही बात की जाए तो अगर देखें तो कल के जो राज्य सम्मेलन था उसमें निकाय चुनाव पे भी बात की गई कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छा मार्जिन से जीत हासिल कैसे करे। अब देखने वाली बात ये होगी कल अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इनका मुकाबला सिर्फ सपा कर सकती है, तो 2022 के लिए अखिलेश यादव क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं, क्या रोड मैप उन्होंने तैयार किया है? जी, आपको बता दें कि 2022 निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में 2022 में चुनाव नजर आता है, तो 2022 को लेकर कहीं ना कहीं राज्य के अंदर में जो तमाम पद थे उसको भंग करके चुनाव के बाद नए लोगों की चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी लगातार सदस्यता अभियान चला रही है प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद क्या समाजवादी पार्टी का रुख रहता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कल के संबोधन में कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मजबूती के साथ रोक सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां समाजवादी पार्टी के जिससे मुकाबला है वो राजनीतिक दल अपने हर एक बूथों पर, चाहे बात की जाए तो हर एक स्तर पर कहीं ना कहीं लगातार सफलता हासिल कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती का विषय होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 निकाय चुनाव में परिणाम किस तरह से आते हैं, क्योंकि इस चुनाव को कहीं ना कहीं 2024 चुनाव का यानी कि लोकसभा चुनाव का
सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। अब इस सम्मेलन के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम पदों पर जो नए लोगों को जगह दी जाती है और समाजवादी पार्टी का जो नया एक मोटो निकल के आया है, ये नई हवा है, नई सपा है, इस आधार पर कहीं ना कहीं नए लोगों को पदों पर आश्रित किया जा सकता है और उनके परिणाम निकाय चुनाव के जो परिणाम आएंगे उस वक्त देखने वाले होंगे। मगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की जंग में सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस रहे हैं और जो सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं बूथ स्तर से लेकर और हर एक स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को लगातार मजबूत कर रही है। अब समाजवादी पार्टी भी उसी क्रम में मजबूत करते हुए नजर आ रही है। चुनौती कहीं ना कहीं कठिन है, आने वाले समयों में परिणाम बताएगा कि जीत किसकी होगी। जी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। धन्यवाद हुआ तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।